more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. स्टार प्लस का पॉपुलर फैमिली ड्रामा शो ये है मोहब्बतें जुड़ी आज की सबसे पहली और बड़ी खबर लेकर आए हम आप सभी के लिए। और बात करें सीरियल के पिछले एपिसोड की तो आपने देखा कि कैसे शगुन की आदाश आ गई है वापस और साथ ही शगुन निशिता को बहुत ही जल्द उस रात की सारी सच्चाई बताते हुए नजर आएगी। तो वहीं अब आपको बता दें कि बहुत ही जल्द शगुन ले देगी उस कातिल का नाम, जिसके बाद फाइनली मणि की मर्डर मिस्ट्री वाली गुत्थी सुलझ जाएगी और हमारे सोर्सेज की माने तो इशिता को भी पता चल जाएगा कि किसने किया था मणि का कत्ल। तो आपको बता दें कि मणि का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि किया है आलिया के ही दोस्त निखिल ने। जी हां, एक लीडिंग वेबसाइट की माने तो निखिल ने किया है मणि का कत्ल और निखिल ने यह सब कुछ आलिया को पाने के लिए किया था। तो दूसरी तरफ इशिता भी अब लग जाएगी निखिल के खिलाफ सबूत ढूंढने में और बहुत ही जल्द इशिता कर देगी निखिल को एक्सपोज। तो दूसरी तरफ अब आलिया भी निखिल की सच्चाई को जानकर काफी ज्यादा चौंक जाएगी और बहुत ही जल्द आलिया भी अब पहुंच जाएगी निखिल के पास और जड़ देगी निखिल एक जोरदार चाटा, जिसके बाद आलिया निखिल को अपने अप्पा के मौत के जिम्मेदार ठहराएगी और साथ ही साथ अब निखिल भी बहुत जल्द चला जाएगा सलाखों के पीछे, जिसके बाद रमन बेकसूर साबित हो जाएगा और आ जाएगा जेल से बाहर। पहले अभी सीरियल की कहानी में कौन से नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से अमित की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।